दोस्तों BSNL जल्दी ही अपना इंडिजीनियस 4G नेटवर्क इस दिवाली से पैन इंडिया बेसिस पे लॉन्च करना शुरू कर देगा और अब उम्मीद है कि BSNL अपना इंडिजीनियस 5G नेटवर्क भी जल्दी ही अगले 6 से 8 महीने में पैन इंडिया बेसिस पे लॉन्च कर देगा। जैसा कि दोस्तों आप इस न्यूज आर्टिकल में देख सकते हैं, C.Dot expect to deploy indigenous 5G system in BSNL network in 6 to 8 months। तो C.Dot यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो BSNL में अपना इंडिजीनियस 5G सिस्टम अगले 6 से 8 महीने के अंदर डिप्लॉय कर देगा। एट प्रेजेंट ओनली रिलायंस जियो हैज अ 5G SA मीन्स स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क इन द कंट्री, विच मीन्स इट्स एंटायर नेटवर्क इज 5G एंड डज नॉट हैव मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक 2G 3G 4G। तो जिनको जानना है कि 5G SA और 5G NSA क्या होता है, उसका लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है, आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ कि 5G SA क्या होता है। 5G SA में जो टोटल इक्विपमेंट होता है, टोटल नेटवर्क होता है, वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होता है 5G नेटवर्क के लिए। और 5G NSA जो होता है, 5G नॉन स्टैंड अलोन, उसमें जो 5G रहता है वो जो आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, नेटवर्क है 4G का, उसको अपग्रेड करके उसको 5G में कन्वर्ट किया जाता है। तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जो नेटवर्क है, वो 4G का रहता है, उसको थोड़ा बहुत अपग्रेड करके उसे 5G में कन्वर्ट किया जाता है। तो बेसिकली जो 5G SA है वो मच बेटर है इन टर्म्स ऑफ स्पीड कंपेयर टू 5G NSA। C.Dot ने यहाँ पर स्टार्टअप फाइजिंग और VVDN टेक्नोलॉजीज के साथ कोलैबोरेट करके इंडिजीनियसली स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क को डिज़ाइन और डेवलप किया है, जिसमें आता है आपका कोर इक्विपमेंट, रेडियो इक्विपमेंट और IP मल्टीमीडिया सिस्टम। तो जो पूरा स्टैंड अलोन 5G का पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो नेटवर्क इक्विपमेंट है, इसे पूरी तरह से इंडिया में डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर C.Dot की तरफ से कहा गया है दैट वी हैव ऑलरेडी डिप्लॉयड 4G एंड 5G नॉन स्टैंड अलोन कोर इन पंजाब सर्कल ऑफ BSNL एंड आर बीइंग ग्रेजुअली स्केल अप टू पैन इंडिया लेवल। द टेक्नोलॉजी दैट वी डेमोन्स्ट्रेटेड इज, जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 में C.Dot ने जो टेक्नोलॉजी शो करी थी, डेमोन्स्ट्रेट करी थी, वो एक्चुअली 5G SA था, 5G स्टैंड अलोन, विच विल बी डिप्लॉयड इन BSNL नेटवर्क इन 6 to 8 months आफ्टर टेस्टिंग इट। इसके बाद आगे कंटिन्यू करके कहा गया, वंस इट C.Dot 5G gear is launched in BSNL network and start handling large scale traffic in India, we expect private operator to start showing interest in it. We are already getting queries of foreign telecom operators. तो जब BSNL में C.Dot का 5G core network deploy कर दिया जाएगा और जब वो large scale पर जो customers हैं उनकी handling करना start कर देगा, जो लार्ज स्केल में ट्रैफिक जनरेट होगा उसको हैंडल करना स्टार्ट कर देगा, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो भी इसमें अपना जो इंटरेस्ट है वो शो करेंगे, और उनके पास ऑलरेडी जो फॉरेन टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनकी तरफ से क्वेरीज आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। आगे C.Dot की तरफ से कहा गया है दैट इंडिया हैज़ अ ट्रेड डेफिसिट ऑफ अबाउट $60 billion इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर एंड द इंडिजीनियसली डेवलप्ड 5G टेलीकॉम गियर विल हेल्प ब्रिज द गैप। तो ट्रेड डेफिसिट बेसिकली जितना आप एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो गैप है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, जो डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, उसको यहाँ पर कम किया जा सकता है जो 5G टेक्नोलॉजी, जो इंडिजीनियस 5G टेक्नोलॉजी C.Dot ने डेवलप की है इंडिया में, उसको दूसरे देशों के टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बेच के। तो जो एक्सपोर्ट बढ़ेगा जब हम 5G टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे, तो उससे जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने में यहाँ पर मदद मिलेगी।